ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कहावत है कि सांप को कितना भी दूध पिला लो वो डसे बिना नहीं मानता। यही स्थिति भारत और चीन के संबंधों पर फिट बैठती है। एलएसी पर चीनी सेना के पीछे हटने की खबरें आई, अब क्या ये भारत और चीन के बीच संबंध सुधार का संकेत है या फिर महज एक रणनीतिक चाल? चलिए जानते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर क्या कुछ खुलासा किया। दरअसल अक्टूबर 2024 में भारत और चीन के बीच लंबे समय से जारी सीमा विवाद में एक नया मोड़ आया। एलएसी के देमचौक और देपसोंग जैसे विवादित हिस्सों में चीनी सैनिक पूरी तरह से पीछे हट गए। ये फैसला दोनों देशों के बीच 21 अक्टूबर को हुई सहमति का हिस्सा था। इस कदम ने रिश्तों में सुधार की उम्मीदों को बल दिया। पिछले महीने रूस के कजान में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक अनौपचारिक बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ के पिघलने की उम्मीद बढ़ी और अब मोदी जी की ब्राजील यात्रा के दौरान G20 समिट में दोनों नेताओं की एक और मुलाकात हो सकती है। लेकिन इन उम्मीदों के बीच विदेश मंत्री अजय शंकर ने जमीनी सच्चाई से भारतीयों को रूबरू करा दिया। उन्होंने साफ कहा कि एलएसी पर सैनिकों का पीछे हटना सिर्फ एक समस्या का हल है, लेकिन इससे दोनों देशों के रिश्ते अपने पुराने स्वरूप में लौट आएंगे, ये कहना जल्दबाजी होगी। जयशंकर के अनुसार सैनिकों का पीछे हटना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसे सीमित नजरिए से देखना चाहिए। 4 साल से ज्यादा चले इस सीमा विवाद ने दोनों देशों के संबंधों पर गहरी छाप छोड़ी है। देमचौक और देपसोंग जैसे संवेदनशील क्षेत्र में गश्त बहाल कर दी गई है। हालांकि भारत के लिए असली चुनौती ये निश्चित करना है कि चीन अपनी पुरानी चालों पर दोबारा न लौटे। भारत और चीन का रिश्ता हमेशा जटिल रहा है। जयशंकर ने इसे जटिल संबंध कहा और इस बात पर जोर दिया कि रिश्तों को सुधारने के लिए पारदर्शिता और विश्वास जरूरी है, लेकिन चीन की पुरानी रणनीतियों को देखते हुए भारत को सतर्क रहना होगा। अब सवाल यह है कि क्या एलएसी से सैनिकों का पीछे हटना और G20 समिट में जिनपिंग मोदी की मुलाकात संभव है, और क्या ये मुलाकात रिश्तों में स्थिरता ला सकेगी? इसका जवाब दिया है एक्सपर्टों ने। उनका कहना है कि ये एक सकारात्मक शुरुआत हो सकती है, लेकिन भरोसे के लिए लंबा रास्ता तय करना होता है। खैर, सैनिकों का पीछे हटना पहला कदम है, लेकिन क्या ये दोस्ती का रास्ता खोल सकता है या फिर महज एक रणनीतिक कदम है? आपकी क्या राय है कॉमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।